Hello students, in the previous video we have started a new lesson that was a friend who came from the sky. The story says that there is a girl named Minnie. She was spastic and she has no control over her hands and legs from the birth, and she was watching children playing at the park, and it was her favorite pastime to see the children at their play. At the same time, there was a strong current of breeze, and that breeze transformed into thunderstorm, and it started raining, and all the leaves of the last years were there in the breeze. Minnie's mother didn't want to let her sit in the balcony, as it was any time it may rain, and she didn't want her to get wet. So she called her inside the room, but Minnie pleaded to have some more time to see the children playing with their ball game. Suddenly there was another ball in among them. That ball was brown one, and that ball flapped its wings and it came into the lap of the Minnie in her balcony of first floor. And when she realized that it was not a ball but a bird, the bird was a duck. Now we shall continue the story. That now we have the description of the bird. So we shall continue the story. He was a beautiful wild duck. His down was soft and velvety, and his beak was broad like a shovel. तो वो जो पक्षी था वो बहुत ही सुंदर वाइल्ड डक था. उसकी डाउन यानी चोंच से नीचे उसके पेट तक का जो हिस्सा है उसे डाउन बोला गया है. इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड वेलवेटी मतलब मखमली था. एंड हिज बीक वॉज ब्रॉड लाइक अ शॉवल और उसकी जो चोंच थी बीक यानी चोंच वो ब्रॉड यानी चौड़ी थी शॉवल पर फावड़े की तरह. हिज फैदर्स ग्लिंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन और उसके पंख चमक रहे थे नीले सफ़ेद और ब्राउन कलर में. एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड उस क्षण जब वो पक्षी वहाँ पहुँचा था वो एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ दिख रहा था. मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप व्हेन सडनली ही निब्ड हर हैंड. मिनी की माँ ने उसे उठाना चाहा ऊपर, उसी समय उसने मिनी की माँ के हाथ में निब्ड कर दिया. निब्ड करना यानी चोंच मार देना. आउच शी क्राइड ड्रॉइंग हर हैंड बैक और वो चिल्लाई आउच और उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया. ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम. अचानक उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो लिविंग रूम के कॉर्नर में सिकुड़ कर बैठ गया. फ्लटर्ड यानी पंख फड़फड़ाना और हडल्ड यानी यहाँ पर सिकुड़ कर बैठ जाना. लिविंग रूम यानी घर में बहुत सारे रूम होते हैं, बेडरूम बाथरूम किचन लिविंग रूम है ना. तो लिविंग रूम मतलब वो रूम जहाँ पर आप अपने गेस्ट्स को अटेंड करते हैं, अतिथि जो आते हैं उन जहाँ सोफा वगैरह में बैठते हैं वो लिविंग रूम. ऑल थ्रू द इवनिंग मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट. पूरी शाम मिनी और उसकी माँ ने कोशिश करी कि वो डक को भोजन करा सकें. दे पुट ब्रेड क्रम्स नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही वुड नॉट टच अ थिंग. उन्होंने उसके सामने ब्रेड क्रम्स डाले यानी ब्रेड के टुकड़े डाले, नट्स यानी सूखे मेवे डाले, एंड फ्रूट्स यानी कुछ फल भी डाले, पर उसने किसी चीज़ को टच नहीं किया. मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी. मिनी ने सलाह दी कि मम्मी इसे कुछ मसला हुआ चावल और दूध देते हैं.
हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल एडेड मिल्क एंड शुगर एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक फेड हिम विद एन इंक फिलर। उसकी माँ ने थोड़े उबले हुए पके हुए चावल लिए एक बाउल यानी कटोरी में, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाया, शक्कर मिलाई और पक्षी की बीक को चोंच को खोलते हुए इंक फिलर, इंक फिलर यानी ड्रॉपर, पुराने समय में जो स्याही वाले पेन चला करते थे उसमें इंक भरने के लिए ड्रॉपर रहता था, तो वो ड्रॉपर से इंक फिलर से उसे पढ़ा खिलाया। एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट। जैसे ही उसके पेट में कुछ भोजन गया डक थोड़ा अलर्ट, चौकन्ना, चैतन्य नजर आने लगा। हिज आईज ब्राइटन्ड एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स। उसकी आँखें चमकने लगी, ब्राइटन्ड यानी शाइनिंग आ गई और उसने कुछ कोशिशें की कि वो अपने पंख फड़फड़ाए उड़ के जाए, पर ये प्रयास उसने थोड़े समय के बाद छोड़ दिया। एफर्ट यानी प्रयास होता है और गेव इट अप यानी छोड़ देना। आई नो वॉट हिज नेम इज, इट इज मित्रा, मिनी सैड, हर मदर स्माइल्ड। मिनी बोलती है मैं जानती हूँ इसका क्या नाम है, इसका नाम है मित्रा, और उसकी मिनी की बात पर उसकी माँ मुस्कुरा पड़ी। वेयर शैल वी पुट मित्रा टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर। उसके पिताजी ने पूछा मिनी हम मित्रा को कहाँ पर सोने के लिए बेड बनाएंगे, पलंग बनाएंगे उसका। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, ही मे नीड मी इन द नाइट, सैड मिनी। फाइनली दे सेटल्ड मिनी मित्रास इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड। मिनी का कहना था पापा मैं इसे अपने पास चाहती हूँ, हो सकता है रात को इसे मेरी ज़रूरत पड़े, ऐसा मिनी ने कहा। और फिर अंततः फाइनली यानी अंततः उन्होंने मित्रा को एक बास्केट जिसमें स्ट्रॉ यानी सूखी हुई घास रखी हुई थी, मिनी के पलंग के बाजू में वो बास्केट रखा और उसके ऊपर मित्रा को लिटाया। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस मित्रा डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल। मिनी की उम्मीद के विपरीत, कॉन्ट्रेरी यानी के विपरीत, एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद, मित्रा डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल। रात में मित्रा ने मिनी को बिल्कुल भी नहीं जगाया जैसा कि मिनी ने उम्मीद किया था, उसकी उम्मीद के विपरीत बात हुई। व्हेन शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मिनीज फर्स्ट थॉट वॉज टू लुक इन टू द बास्केट बाय हर बेड साइड, टू हर हॉरर शी रियलाइज्ड इट वॉज एम्प्टी। जब मिनी सुबह बहुत जल्दी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली सुबह बहुत जल्दी उठी, तो उसका पहला विचार था कि वो बास्केट को देखे अपने बाजू में जो बेड के बाजू में है, पर उसके लिए ये बड़े डर सा लगा उसे कि वो बास्केट खाली थी, इट वॉज एम्प्टी। मित्रा मित्रा शाउटेड मिनी, मिनी चिल्लाई मित्रा मित्रा। गेट अप ऑन वन एल्बो, गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, और मिनी अपनी एक कोहनी, एल्बो यानी हाथ का कोहनी जहाँ से आप हाथ मोड़ सकते हैं, कोहनी सेंटर का हिस्सा, उस पर उठते हुए चिल्लाई। देन शी सॉ हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, शी बर्स्ट आउट लाफिंग। फिर उसने देखा कि वो जो पक्षी है मित्रा वो बाथरूम से उसको देख रहा है, और मिनी बर्स्ट आउट लाफिंग, और एकदम से मिनी हंस पड़ी जोर से, कि यानी वो पक्षी को भी मालूम है कि मॉर्निंग में बाथरूम का यूज़ करना है, इस सोच के वो हंस पड़ी। द बर्ड कुड ओनली हॉप अलोंग दो ही ट्राइड वैलियंटली टू फ्लाई। फिलहाल क्योंकि बर्ड ने अपने पंखों को हर्ट कर लिया था, चोट लगी थी, तो अभी वो सिर्फ फुदक सकता था, हॉप यानी फुदकना, उचकना। दो ही ट्राइड वैलियंटली टू फ्लाई, हालांकि उसने बहुत कोशिश करी, प्रयास किए कि वो उड़ सके। व्हेन मिनी क्रॉल्ड अप टू हिम ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड हॉप्ड अवे। जब मिनी क्रॉल करके रेंग कर
उसके पास तक पहुंचती तो वो अपने पंख फड़फड़ाकर उससे दूर फुदक जाता, उड़ के थोड़ा सा पंख फड़फड़ा के हॉप करके दूर को पहुंच जाता। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम। मिनी ने बहुत ज़्यादा पूरी ताकत लगा के प्रयास किया और उसे पकड़ लिया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर। जब मिनी ने उसे पकड़ा तो तत्काल उसके रिएक्शन में उस पक्षी ने उसे चोंच मार दी। मिनी व्हाट हैपन्ड, मिनी क्या हुआ, क्राइड हर मदर इन अलार्म एंटरिंग द रूम। उसकी माँ चिल्लाते हुए चौकन्नी होते हुए पूछती हैं कि क्या हुआ और वो उसके रूम में आई। बट व्हेन शी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म शी हर अलार्म टर्न्ड टू मेरीमेंट। पर जब उन्होंने पक्षी को अपनी बेटी की गोद में देखा तो उनका जो चौकन्नापन था वो खुशी में बदल गया, मेरीमेंट यानी खुशी। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड शी अनाउंस्ड। मिनी की माँ ने अनाउंस किया, घोषणा की कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी मित्र के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का पहला भोजन, जो जब हम सो के उठते हैं उस समय फास्ट रहता है, पर जब हम कोई भी चीज़ उस फास्ट को तोड़ने के लिए, या कहना चाहिए सुबह कुछ भी खाते हैं उसे फास्ट का तोड़ना, तो ब्रेकफास्ट बोलते हैं। द डोर बेल रैंग व्हेन मिनी वॉज कैजोलिंग मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। जब मिनी मित्रा को ब्रेकफास्ट खाने के लिए मना रही थी, कैजोलिंग यानी मनाना, प्रयास करना कि वो खा ले, उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। व्हेन मिनीज फादर ओपन्ड द डोर व्हेन मिनीज मदर ओपन्ड द डोर शी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म। जब मिनी की माँ ने दरवाज़ा खोला तो उनके सामने छोटे छोटे बच्चों का एक समूह था। वो सारे के सारे बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत स्मार्ट नज़र आ रहे थे। आंटी मे वी सी द बर्ड दे आस्क्ड। उन्होंने पूछा, आंटी क्या हम पक्षी को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन वेयर थ्रिल्ड टू सी बींग फेड विथ इंक फिलर। बच्चे बहुत अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि मित्रा को इंक फिलर से भोजन कराया जा रहा है। उनके लिए एक नई चीज़ थी जो वो देख रहे थे। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बींग फेड। बच्चों ने मित्रा को स्थिर रखने की में सहयोग दिया जब मिनी उसे भोजन करा रही थी। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस। अब उन्हें बहुत जल्दी ही वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि उन्हें अपनी स्कूल बस पकड़नी थी। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी दे सेड। उन्होंने कहा, मिनी हम दोपहर में वापस आ जाएंगे। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल। मिनी भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। एंड नाउ वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन गुड बाय।